तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बाय यूजिंग जेंगो कैसे आप वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट, अगर आप जेंगो का यूज करके आप कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जो कि एक पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है, तो उसके लिए आपको सबसे फर्स्ट अपने अपने सिस्टम में जेंगो इंस्टॉल करना होगा। और जेंगो इंस्टॉल करने से पहले आपको पाइथन एंड पीआईपी, ये दो चीज़ें इंस्टॉल करनी होंगी, क्योंकि जब भी हम जेंगो इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, तो बहुत सारे पैकेजेस, बहुत सारी फाइल्स पहले से बनी बनाई आती हैं, उनको इंस्टॉल होने के लिए हमारे सिस्टम में पीआईपी का होना जरूरी है, पाइथन की किसी वर्जन का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट तो आपको पाइथन इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम में। अगर आपने अभी तक नहीं किया इंस्टॉल, तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं डाउनलोड पाइथन, और आपको पाइथन की वेबसाइट, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आपको पाइथन जो है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप 3.7 से, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके लिए मैं ये वीडियो स्पेशली जिनके लिए मैं बना रही हूँ, उन सारे स्टूडेंट्स ने पहले से पाइथन पढ़ रखा है, इस वजह से अगर आप जेंगो सीखने आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने भी पहले से पाइथन पढ़ा होगा, तो आपने अपने सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल किया होगा। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के सिस्टम में, अगर हम पीआईपी का वर्जन चेक करते हैं या अगर हम पाइथन का वर्जन चेक करते हैं, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि कुछ जैसे पीआईपी नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड या पाइथन नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे फर्स्ट तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है। उसके लिए हमने टाइप किया सीएमडी या टर्मिनल या कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। हमने ओपन कर लिया कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें टाइप करना है, सबसे फर्स्ट हम चेक करना चाहते हैं अगर कि पाइथन प्रेजेंट है कि नहीं हमारे सिस्टम में, तो हम लिखेंगे पाइथन स्पेस डैश डैश वर्जन, और यहाँ पे आपको पाइथन का वर्जन यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको पीआईपी, जो कि एक पाइथन में एक इंस्टॉलेशन मैनेजर होता है, कोई भी पाइथन की फाइल आप इंस्टॉल करते हैं तो उसको ये मैनेज करता है, तो एक आपको ये भी चेक करना होगा कि पीआईपी आपके सिस्टम में प्रेजेंट है कि नहीं। तो हमने लिखा पीआईपी डैश डैश वर्जन, और हमारे सिस्टम में यहाँ पे पीआईपी का वर्जन अभी कुछ ही देर में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम थी कि अभी क्या हो रहा है कि पाइथन आपने इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन जब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके, टर्मिनल पे जाके जब आप लिखते हैं कि पाइथन डैश डैश वर्जन, या आप लिखते हैं पीआईपी स्पेस डैश डैश वर्जन, तो आपको लिख के नहीं आता, वर्जन्स नहीं मिलते, और वहाँ पे कुछ ऐसा आता है कि नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स, इन कुछ ऐसा मैसेजेस आते हैं, वार्निंग्स आते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि देखिए, जब भी हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत है कि जब भी हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है कि एक पाइथन की फाइल हमारे सिस्टम में बन जाती है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यहां से हमने ओपन किया फोल्डर और हमने ओपन किया सी ड्राइव, क्योंकि हम कुछ भी इंस्टॉल करते हैं हमारे सी ड्राइव में, सिस्टम ड्राइव में सेव होता है। यहाँ पे आप जाएंगे कहाँ पे, यूजर्स, यहाँ पे आप कहाँ पे जाएंगे, यूजर्स में, यूजर्स में आप जाइए। यहां से नेक्स्ट आपको जाना है जो भी आपके सिस्टम में यूजर नेम है उसमें, जैसे किसी में आपके सिस्टम के जो भी कंपनी है उसका नाम होगा, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं आपके सिस्टम में आपके हिसाब से। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है एक फोल्डर जो कि है ऐप डेटा। अगर ये ऐप डेटा नहीं मिलता है, मतलब कि आपने हिडन फाइल्स कर रखी हैं और जो हिडन फाइल्स हैं वो नहीं दिख रही हैं। उसके लिए आप कहाँ पे जाएंगे, व्यू ऑप्शन में आप जाएंगे, हिडन फाइल्स कैसे उनको हम हिडन फाइल्स को भी अगर हमें शो करना है तो कैसे शो होती है ये आप सब जानते होंगे। तो हम हिडन फाइल्स यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देंगे। अगर हम अभी इसको अनचेक कर देंगे, जो हिडन फाइल्स यहाँ पे दिख रही हैं, व्यू में हम आए और व्यू में हिडन फाइल्स, सबके सिस्टम में अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो हिडन फाइल्स जब हम यहाँ से हिडन आइटम्स पे हम अगर अनचेक रहेगा तो यहाँ आपको ऐप डेटा फोल्डर नहीं दिखेगा। इस पर अभी हम चेक कर देंगे, यूजर्स के अंदर हमें ये ऐप डेटा फोल्डर दिखने लगेगा। तो यहाँ पे कई तरीके हैं हिडन फाइल्स को शो कराने का। जैसे एक तो आप कंट्रोल पैनल ओपन करके और वहां से फोल्डर्स ऑप्शन में जा सकते हैं, वहां भी आप हिडन फाइल्स को शो करा सकते हैं। इसमें इसके लिए आप चाहे तो आप ओपन कर सकते हैं, गूगल से आप सर्च कर सकते हैं कि कैसे हम हिडन फाइल्स को शो कराएं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या, कौन सा आपका सिस्टम है, क्या प्रॉब्लम आ रही है हिडन फाइल्स को शो कराने में, मैं आपको रिप्लाई करूंगी 100%। तो यहाँ पे हमने ऐप डेटा को ओपन किया। जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा लोकल। जब आप लोकल
में आएंगे तो यहाँ पे भी एक आपको प्रोग्राम्स या आपको कुछ ऐसा करके एक फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर कुछ इंस्टॉलेशंस की फाइल्स आती हैं इंस्टॉल करने के बाद। ये जैसे आप देख सकते हैं प्रोग्राम, अगर आपको ना दिखे आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो आपको आना है यहाँ प्रोग्राम्स के अंदर, यहाँ पे आपको आना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा पाइथन। यहाँ पे अब हमें दिख गया पाइथन, हमने इंस्टॉल किया हुआ है पाइथन 3.7, हमने ओपन किया ये फाइल्स। यहाँ पे जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट में, जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट पे लिख रहे हैं कि पाइथन का हमें वर्जन देखना है या हमें पीआईपी का वर्जन देखना है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि सबसे पहले वो सर्च करता है हमारे कंप्यूटर के इन्वायरमेंट में कि जो भी आप फाइल सर्च कर रहे हैं वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, कभी कभी क्या होता है कि हमने इंस्टॉल तो कर रखा है लेकिन हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं सेट किया है, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। तो आपको यहाँ पे आ जाना है, अभी आप देख सकते हैं यूआरएल क्या दिखा रहा है, पाइथन 3.7, इसमें डीएलएल, डॉक, इंक्लूड एंड लाइब्रेरी बहुत सारी फाइल्स हैं, यहीं पे पाइथन की exe फाइल भी है। तो आपको क्या करना है, इस पाथ को आपको कॉपी कर लेना है। इसके लिए आप यहाँ ये जो यूआरएल दिखा रहा है इसमें आगे आप कहीं भी क्लिक करेंगे ये कॉपी हो जाएगा, या आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए नॉर्मली और इसको कंट्रोल सी करके आप इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी। नेक्स्ट, अब आप कैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल में इस पाथ को सेट करेंगे ताकि हम जब पाइथन के वर्जन को देखना चाहें तो हमें 3.7 मिल पाए जो हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है। उसके लिए आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए और जो आपका मेन माई कंप्यूटर है, या फिर आप, और मैं आपको एक और तरीका बता दूंगी, माई कंप्यूटर या दिस पीसी या जो भी आपके सिस्टम में दिख रहा होगा उस पर आप राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज में, या आप यहां से भी देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट आप कंट्रोल पैनल ओपन करिए, अगर आपको कुछ ऐसे दिख रहा है तो इसके सामने जो एरो दिख रही है इस पे आप क्लिक करिए। नेक्स्ट आप यहाँ से ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स को सेलेक्ट करें। नेक्स्ट आप यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा एक सेकेंड, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स हमने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा मैं देख लेती हूँ कौन सा ऑप्शन था, सिस्टम्स, यस। तो यहाँ से हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे, ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स एंड नेक्स्ट इज सिस्टम। तो सिस्टम का ऑप्शन यहाँ हमें कंप्यूटर का आइकन दिख रहा है ये। तो आप ऐसे भी, अगर आपको दिस पीसी या माई कंप्यूटर का ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आप ऐसे आ सकते हैं। अब यहाँ से आपको आना है एडवांस सिस्टम सेटिंग में। एडवांस सिस्टम सेटिंग के बाद आपको यहाँ पे एक ये बॉक्स ओपन होके आएगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा, इसमें आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे पहले से आपने अगर कभी जावा की का अगर एनवायरमेंट वेरिएबल सेट किया है, पाइथन का सेट किया, किसी का भी सेट किया, तो आपको यहाँ पे पाथ नाम का एक वेरिएबल मिलेगा, ये आप देख सकते हैं पाथ। अगर ये आपको नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है कि आपको न्यू पे क्लिक करना है और पाथ, जैसे आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे पाथ और जो वेरिएबल वैल्यू वाला जो ये टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है इसमें आपने अभी जो कंट्रोल सी किया था, जो पाइथन का यूआरएल था जहां पे हमने पाइथन को इंस्टॉल करके रखा हुआ है, आप इसको कंट्रोल प्लस वी करके ओके कर सकते हैं। मेरे में पहले से ही शो कर रहा है तो हम इसको करेंगे एडिट, ठीक है। एडिट करने के बाद जैसे मेरे में ये पहले से दो फाइल्स दिख रही है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ अभी, फिर मैं आपको फिर से एडिट ऐड करके दिखा दूंगी। अब यहाँ पे आप न्यू, यहाँ पे आप ऐड करेंगे न्यू, न्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक नया टेक्स्ट बॉक्स जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे आप कर दीजिए कंट्रोल पी सी यूजर्स दिव्या और जो भी यहाँ पे आपका यूजर का नाम है और जैसे भी है वो यहाँ पे आ जाएगा, आप इसको कर दें ओके। ओके, हमने इतना क्या किया, पाइथन के लिए हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर लिया। अब अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से पाइथन स्पेस डैश डैश वर्जन अगर आप लिखेंगे तो वहां पे आपको पाइथन का जो वर्जन आपने इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में वो दिख जाएगा, लेकिन इतना करने से अभी आप जैंगो इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, आपको एक और काम करना होगा, क्या पीआईपी को भी सेट करना होगा यहाँ पे एज द एनवायरमेंट वेरिएबल। उसके लिए आप फिर से ये फोल्डर ओपन कर लीजिए जिस जहां से हमने पाइथन का ये जो पाथ था उसको कॉपी किया था, मतलब एप डेटा के अंदर, लोकल के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर पाइथन, पाइथन 3.7 या 37 जो भी दिखा रहा है। और इसमें अब आप ओपन करिए स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट को जब आप ओपन करेंगे, स्क्रिप्ट्स नाम के फोल्डर को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पीआईपी 3.7, पीआईपी 3 एंड बहुत सारे ये पीआईपी के वर्जन प्रेजेंट है, पीआईपी के exe फाइल, एप्लीकेशन फाइल प्रेजेंट है। तो अब आपको ये भी जो इसका यूआरएल है इसको कॉपी करें।
तो इस पाथ को आपको कहीं पे भी यहाँ क्लिक करना है और उसके बाद इस पूरे पाथ को कॉपी करना है। इस पाथ को जहाँ पे की PIP की EXE फाइल और बाकी सारी EXE फाइल हैं, तो यहाँ से आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको भी एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट करना है। सेट करने के लिए आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, मतलब आपको दिस PC पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है और उसके बाद आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाना है और यहाँ पे आपको पाथ सेट करना है। यहाँ पे पाथ में आपने न्यू पे प्रेस किया और या एडिट पे आपने प्रेस किया और यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपने जो अभी कॉपी किया था, कंट्रोल सी किया था, उसको आप कंट्रोल वी करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। इससे अगर पहले से आपके सिस्टम में आपने यहाँ से इसको पाथ वेरिएबल, जो नाम वेरिएबल का नाम जो पाथ है, उसको आपने एडिट किया और आपने देखा कि पहले से पाइथन और उसके अंदर जो फोल्डर है स्क्रिप्ट, उसका पाथ यहाँ पे सेट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर ओके है, तब आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको इसको कैंसिल कर देना है। अगर यहाँ पे सेट होगा तो फिर PIP की एरर आएगी ही नहीं। अगर PIP की एरर आ रही है तब के लिए मैंने ये स्टेप्स आपको बताए। PIP या पाइथन कोई भी आप वर्जन चेक करें और नहीं आ पा रहा है, तब के लिए मैंने ये आपको स्टेप्स बताए। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, फिर से मैं ओपन कर लेती हूँ CMD और यहाँ पे हम आ जाते हैं फाइनली। अब आप चेक कर सकते हैं पाइथन डैश डैश वर्जन और यहाँ पे आपको पाइथन का वर्जन दिख जाएगा। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं PIP डैश डैश वर्जन। और जब आप एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करें उसके बाद आप दोबारा से इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करें, ओपन करें, फिर आप चेक करें, तब आपको सही रिजल्ट मिल पाएगा। हमने चेक किया और PIP का भी सही जो वर्जन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होगा वो हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये दो चीजें अगर हमारे सिस्टम में प्रॉपर तरीके से हैं तो आप यहाँ पे Django इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें Django का प्रोजेक्ट हम बनाएं, उससे पहले हमें Django इंस्टॉल करना पड़ेगा और ये सारे स्टूडेंट्स को करना है, चाहे आपने पहले से वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के और आपने प्रोजेक्ट बनाया है तब भी, नहीं बनाया तब भी। तो यहाँ पे आपको Django को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है PIP इंस्टॉल। कमांड्स जो लिखने हैं वो मैं बता रही हूँ, PIP इंस्टॉल Django। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने पहले से Django इंस्टॉल किया हुआ है सिस्टम में, इस वजह से ये देगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आप में क्या होगा कि कुछ देर तक फाइल्स डाउनलोड होंगी और Django अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, या कोई ऐसा मैसेज आएगा जिससे आपको पता चलेगा हाँ इंस्टॉल हो गया। उसके लिए आपको करना है कि अपने सिस्टम को नेट से कनेक्ट करके रखना है, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए तभी फाइल्स डाउनलोड होंगी और अदरवाइज मे बी की एरर आ जाए। तो इसलिए आप नेट से कनेक्ट रखें, फिर आप ये Django को इंस्टॉल करें। आपने इतना कर लिया देन अब आप इसको क्लोज कर दीजिए। और Django का, जैसा कि हम जानते हैं कि हमें वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए कोई टेक्स्ट एडिटर चाहिए और कोई IDE चाहिए पाइथन की, लेकिन आप विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर सकते हैं। बट जब आप बिगनर लेवल पे हैं तो आपके लिए PyCharm इज द बेस्ट। आप कम्युनिटी लेवल इसका इंस्टॉल कर लीजिए। PyCharm इंस्टॉल करने में बहुत बड़ी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ नेक्स्ट करना है और हो जाएगा। वहाँ पे सिर्फ हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट ना सेलेक्ट करके हमें सेलेक्ट करना होता है सिस्टम इंटरप्रेटर। तो वो आपको, अगर PyCharm इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पूरा हेल्प करूंगी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ओपन किया PyCharm, मेरे में पहले से कोई प्रोजेक्ट ओपन होगा, हम इसको कर देते हैं क्लोज। और आपको मे बी कि जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो एक ऐसी फाइल आपको दिखेगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे पाइथन प्रोजेक्ट नाम से ये आ रहा है। आप लोकेशन अगर सी ड्राइव दिखा रहा है कोई इशू नहीं है, जो लोकेशन दिखा रहा है आप दिखाने दीजिए। या फिर अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं कि नहीं मुझे सी ड्राइव में प्रोजेक्ट नहीं रखना है, डी ड्राइव में रखना है, जो भी, तो आप डी ड्राइव में कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया फोल्डर बना लें और यहाँ से आप अपना जो पाथ है उसको चेंज कर लें, अदरवाइज आप ये रहने दें, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आपको एक चीज का खास तौर से ध्यान रखना है, इस बात का कि ये जो आपको एरो दिखा रहा है इसको आप एक्सपेंड करें। यहाँ न्यू एनवायरमेंट सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, वर्चुअल एनवायरमेंट पे हम काम नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग इंटरप्रेटर सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको एग्जिस्टिंग इंटरप्रेटर सेलेक्ट करना है, इस बात का आपको खास तौर से ध्यान देना है। और यहाँ से हम क्लिक करेंगे, सपोज ये पाइथन प्रोजेक्ट के नाम से आएगा, इट्स ओके है, और हमने इसको क्रिएट कर दिया। हमने क्रिएट किया, कुछ इस तरीके से फाइल आएगी, हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमारा एक
फोल्डर है, पाइथन का फोल्डर है, जिसके अंदर हम जेंगो से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना सकते हैं और उसमें हम अपना पूरा वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये तो एक फोल्डर आ गया हमारे पास, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें टर्मिनल, नीचे आपको टर्मिनल का ऑप्शन दिख रहा होगा, टर्मिनल पे आपको क्लिक करना है। जब आप टर्मिनल को क्लिक करेंगे तो अपने आप यहाँ पे ये जो फोल्डर है ये आपको दिखाएगा पाइथन प्रोजेक्ट। इसके अंदर हमें एक जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। उसके लिए हम लिखेंगे जेंगो के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें लिखना होगा django-admin, क्योंकि हमें जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो हम लिखेंगे django-admin और एक कमांड होता है स्टार्ट प्रोजेक्ट। जेंगो का प्रोजेक्ट हमें स्टार्ट करना है, किस नाम का वो प्रोजेक्ट होगा, सपोज मैंने कर दिया माई साइट या माई फर्स्ट साइट, माई फर्स्ट एप्लीकेशन, आप कुछ भी कर सकते हैं, हमने कर दिया माई साइट, डिजाइन django-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट। ये जो माई साइट होगा ये एक जेंगो का प्रोजेक्ट होगा और इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी कोडिंग कर सकते हैं और उसको, तो आपको ऐसे फर्स्ट टाइम में इसको स्टार्ट करना है। हमने माई साइट को क्लिक किया और अभी आप देखेंगे तो जो हमने पाइथन प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर बनाया था उसके अंदर एक और फोल्डर आ गया माई साइट। ये एक आपका जेंगो का प्रोजेक्ट है जिसमें कि एक manage.py दिखेगा, एक और उसी नाम का पैकेज दिखेगा माई साइट नाम का, और इसमें बहुत सारी फाइल्स होंगी। ये फाइल्स क्या काम करती हैं, किस लिए यूज होती हैं, मैं ये सारे आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी हमें सिर्फ क्या करना है कि रन करा के देखना है कि सक्सेसफुली जेंगो का प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया या नहीं, या चल रहा है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम इस फोल्डर के अंदर आएंगे और उसके लिए हम लिखेंगे cd और जिस नाम से अभी आपने साइट बनाया वो cd माई साइट। हम आ गए माई साइट फोल्डर के अंदर और यहाँ पे अब हम manage.py को रन कराएंगे, देखेंगे किस सर्वर पे रन कर रहा है ताकि हम उस सर्वर से इसको गेट कर सके और देख सके कि रन हो रहा है कि नहीं। उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा, सबसे पहले माई साइट के अंदर आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन स्पेस और manage.py स्पेस रन सर्वर। हमें चेक करना है रन सर्वर, manage.py किस सर्वर पे रन कर रहा है। जैसे ही आप करेंगे यहाँ नीचे एक सर्वर का नाम आएगा, इसे हम चेंज कर सकते हैं लेकिन वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, 127.0.0, इसको आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अपने आप आपका वेब ब्राउजर में ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ये बोलेगा द इंस्टॉल वर्क्ड सक्सेसफुली कंग्रेचुलेशन। सो यहाँ पे आपका पहला जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। अब इसमें कोडिंग कैसे करना है और पाइथन के कोड्स कैसे लिखना है और डिजाइनिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। बट इतना स्टेप करते ही अब आप जेंगो पे रिलेटेड, जेंगो वेब फ्रेमवर्क पे आप अपना नेक्स्ट वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। सो इतना स्टेप आप सबको फॉलो करना है जब आप जेंगो का एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। तो सो थैंक यू सो मच और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। सो थैंक यू।